गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश शर्मा। टूडे वी आर गोइंग टू टीच क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट फोर्थ पोएम सी सॉन्ग। बच्चों, आज हम पोएम सी सॉन्ग पढ़ने जा रहे। लेट्स स्टार्ट। Have you ever collected shells? Help, helping verb है। क्या आपने ever, ever means होता है कभी, collected मन एकत्रित किए हैं, shells, shells माने होता है सीप, जिसका बड़ा रूप होता है शंख, और सीप होती है छोटी छोटी साइज की, तो दोनों को ही हम shells कहते हैं। बच्चों, shells होता क्या है, एक बार इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सेल्स एक ऐसा समुद्री एनिमल होता है जिसका ऊपर का सख्त कड़ा खोल होता है, जो जब वह जीव खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसके मरने के बाद में ये खोल हमें प्राप्त होता है सीप के रूप में, शंख के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। एन्जॉय दिस पोएम। इस पोएम का आज आप आनंद लीजिए। अबाउट ए सेल, ऐसा संख जो कि सिंग्स, गाता भी है। तो देखिए, आई फाउंड ए सेल, मुझे एक संख मिला, एक कर्ली वन जो घुंघराला था। घुंघराले कहते हैं, जिस प्रकार बाल घुंघराले होते हैं उसी प्रकार संख भी घुंघराला जैसा था। लाइंग ऑन द सैंड, समुद्री जमीन पर, LYING, लैंग, लैंग मीन्स पड़ा हुआ था, सैंड, सैंड मन समुद्री जमीन पर। आई पिक्ड इट अप, मैंने इसे ऊपर उठाया। एंड टुक इट होम, और इसे घर ले आया। टेक माने लाना होता है, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। कोल्ड इनसाइड माय हैंड, कोल्ड मींस होता है ठंडा, इनसाइड मींस होता है अंदर से, माय हैंड मेरे हाथ, मेरे हाथों में यह अंदर से ठंडी लग रही थी। ये शंख कैसी लग रही थी मेरे हाथों में, अंदर से ठंडी लग रही थी। और मम्मी लुक्ड एट इट, मम्मी ने इसकी ओर देखा। एंड देन, और उसके बाद में कहा, सी हेल्ड इट टू माय ईयर, वह इसे मेरे कान के पास ले गई, कान के पास इसको रख दिया, इस सेल को कान के पास रख दिया। एंड फ्रॉम द सेल देयर केम ए सॉन्ग, और बच्चों सेल से क्या होता है, संग से, देयर केम ए सॉन्ग, एक गाने की आवाज आती है। वो गाने की आवाज कैसी होती है बच्चों, सॉफ्ट, मृदु, एंड स्वीट, मधुर, एंड क्लियर, और बिल्कुल साफ सुथरी। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। आई लिसन हार्ड, मैंने बहुत ही मुश्किल से इसे सुना था, पहले कभी सुनने का मौका नहीं मिला था, और आज मिला भी है काफ़ी मेहनत के बाद, मुश्किल ही थी, समुद्र किनारे से लेके और घर तक इसको लाया गया। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन वास्तव में यह सत्य था। रियली ट्रू क्या था, रियली ट्रू ये था कि उस सेल में से आवाज आ रही थी। आई विश यूड फाइंड ए नाइस बिग सेल, मैं आशा करता हूं या भगवान से दुआ करता हूं, विश्वमन दुआ करना, यूड फाइंड ए नाइस बिग सेल, कि तुमको भी एक सुंदर सी बड़ी सी सेल संग प्राप्त हो। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और आप भी इसका गाना सुने।
बच्चों न्यू वर्ड साइंस में सेल्फ संख के लिए आया है, हेल्ड रखना, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, कडली घुंघराले, क्लियर साफ सुथरे। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और मैं सोचता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।